हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नए साल में 20 ऐसे आपको शुभ संकल्प करने हैं ताकि आपके पूरा साल आपके लिए खुशियों से भरा रहे। और इस साल आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वह भी हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे 20 कौन से कार्य हैं जो कि 2019 में आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके जरूर करें। यदि आप ये 20 उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। आइए जानते हैं, नया साल हम सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, यही हम सबकी कामना होती है। आइए जाने हमारे धर्म शास्त्रों से कुछ ऐसे उपाय जो साल के पहले दिन से आरंभ कर 365 दिन जरूर करें। घर को मंदिर की संज्ञा दी गई है और घर के वातावरण का आपके आम जीवन और दिनचर्या पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यदि घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो तब ही वह प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। यदि आपके घर में किसी भी कारण से सुख शांति नहीं है तो वर्ष के पहले दिन से यह उपाय जरूर आजमाएं। पहला, घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए ही सही भजन अवश्य लगाएं। दूसरा उपाय, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, ना ही उसके ऊपर से निकलें, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। तीसरा उपाय, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। चौथा काम, घर में जूते चप्पल इधर उधर ना बिखेरे और उल्टे सीधे करके ना फेंके, इसे बिल्कुल सही ढंग से और ऐसी जगह रखे जहां किसी की पैर ना पड़े। पांचवा, पूजा का समय सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच होना चाहिए। पूजा भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर करनी चाहिए। छठा काम, जब भी भोजन बनाए पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। सातवा काम, पूजा घर में सदैव जल का एक कलश भरकर रखा रहना चाहिए। आठवां काम, धूप दीप आरती पूजन अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीकों साधनों को मुंह से फूंक कर कभी नहीं बुझाना चाहिए। नौवां काम, मंदिर में धूप अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें। दसवां काम, घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं। ग्यारहवां काम, घर में कभी भी जाले ना लगने दे, अन्यथा घर में राहु का असर होने लगता है। बारहवां काम, शाम के समय सोएं, बिल्कुल भी ना सोएं। रात्रि में सोने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर कर लें। तेरहवां काम, घर के मध्य भाग में जूठे बर्तन साफ करने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। चौदहवां काम, साल के पहले दिन यह संकल्प लें कि व्यसनों से दूर रहेंगे, साल भर इस संकल्प पर अमल जरूर करें। पंद्रहवां काम, कोई भी मंत्र पूरे विश्वास के साथ और कंठस्थ कर लें और साल भर फिर उसी का जप करते रहें। सोलहवां काम, साल के पहले दिन से अपने कोई एक देवता को इष्ट देव माने और साल भर बस उन्हीं के उपाय करें। सत्रहवां काम, वर्ष के पहले दिन किसी असहाय दिव्यांग या अनाथ की मदद व संकल्प करें और उसे पूरा भी करें। अठारहवां काम, साल के आरंभ में किसी गरीब लड़की की शिक्षा या शादी का संकल्प लें और फिर पूरी ईमानदारी से उसका जिम्मा उठाएं। उन्नीसवां उपाय, साल के आरंभ में पशु सेवा, पशु के प्रति मानवता का संकल्प लें और उसे जरूर निभाना चाहिए। बीसवां काम, साल के आरंभ में कोई पौधारोपण जरूर करें और साल भर उसकी देखभाल करें, फिर देखिए आपके घर में किस तरह से खुशहाली आती है और पूरे साल किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, पूरा साल खुशहाली और तरक्की के साथ बीतेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।